हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन की और इसकी जून महीने की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ गई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अंदर भी जो है मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि इसके अंदर पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई और जून क्वार्टर के अंदर रिटेलर्स की अगर संख्या देखें, होल्डिंग देखें शेयर होल्डिंग में, तो वो जो है घटी है। कई बार ऐसा होता है कि जब शेयर के अंदर तेज़ी आती है तब जो रिटेलर की संख्या घट जाती है, और शेयर के अंदर अगर गिरावट आती है तो रिटेलर जो है वो भर भर के माल खरीदते हैं। और इसके पीछे कुछ कई रीज़न भी होते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं। और 2416 रुपये का प्राइस है इसका, और थोड़ा सा फ्लैट जैसा बंद हुआ था शुक्रवार को। आगे कहाँ पर जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मार्च महीने की शेयर होल्डिंग पैटर्न का कितना डिफरेंस रहा, वो हम देखेंगे। ये मार्च महीने की है अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इसके अंदर सबसे पहले रिटेलर्स की जो है हम होल्डिंग देखेंगे, जो कि 2 लाख से कम का निवेशक होते हैं उनको जो है रिटेल निवेशक कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी संख्या जो है 7,30,000 के आसपास थी, और शेयर्स की कितनी अवेलेबिलिटी थी ये मार्च महीने की अगर बात करें तो 3,88,00,000 के आसपास की, और 3.41% के आसपास की हिस्सेदारी थी अगर परसेंटेज के अंदर देखें तो। और जून महीने में, जून क्वार्टर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये देख सकते हैं कि जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके अंदर रिटेलर्स की कितनी हिस्सेदारी रही, तो आप देख सकते हैं कि रिटेलर की संख्या में भी थोड़ी बहुत जो है गिरावट रही, और शेयर की होल्डिंग जो कि 3,88,00,000 थी वो 3,61,00,000 रह गई है। तो इसके अंदर भी देखें तो अच्छा खासा रिटेलर ने जो है बिकवाली की है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते या फिर कई रीजन से जो वो मतलब कि बिकवाली कर देते हैं। अगर शेयर घटा होता तो जो है हिस्सेदारी बड़ी होती, जैसे कि अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के अंदर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर। और परसेंटेज के अंदर भी देखें तो उसकी हिस्सेदारी आप देख सकते हैं कितना परसेंट कम हुई है। अब बात कर लेते हैं इसका म्यूचुअल फंड और FIIs की। तो यहाँ पर अभी देखें तो म्यूचुअल फंड ने के पास अभी देखें तो ठीक ठाक मार्च महीने में जो है 0.87% की हिस्सेदारी थी। साथ ही साथ अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI की अगर बात करें तो दोनों का मिलाकर अभी देखें सब टोटल तो 17.75% की हिस्सेदारी थी। और एक्चुअली इसके अगर नाम देखें तो 3 बड़े नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं जिनके पास 1% से ज़्यादा की ये हिस्सेदारी है, LTS इन्वेस्टमेंट, इलारा इंडिया और गोल्डमैन सैक्स। तो आगे अभी जून महीने की अगर क्वार्टर की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग की, जो कि 0.87% की हिस्सेदारी थी वो बढ़कर 1.18% फी हो गई। और अब FPI की अगर बात करें तो उनकी हिस्सेदारी जैसे कि अब देखें तो दोनों को मिलाकर इसके अंदर भी जो है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, 19% के आसपास की हिस्सेदारी हो गई। साथ ही साथ कुछ नए नाम सामने निकल कर आए, जैसे कि हम सबको पता भी है ये GQG पार्टनर्स, इन्होंने जो है 1% की हिस्सेदारी इसके अंदर खरीदी, होल्डिंग रखी है। और गोल्डमैन सैक्स की जो है वो तो अभी नाम बरकरार रही है, और इलाला इंडिया का उनका भी नाम है। तो ये 3 बड़े नाम यहाँ पर अभी मौजूद है, और ये जो है नया नाम आया है, हम सबको इसके बारे में पता ही है। GQG पार्टनर्स ने इसके अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग की, एक अच्छी खासी जो है होल्डिंग है इसके अंदर। तो रिटेलर्स की हिस्सेदारी घटी है, लेकिन FIIs की अगर बात करें तो हिस्सेदारी थोड़ी बहुत ही सही यहाँ पर मतलब कि बड़ी है। एक्चुअली थोड़ी बहुत नहीं, ये 17-18% के आसपास का था, और यहाँ पर अभी देखें तो 19% की मतलब कि 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है, और काफ़ी बड़ी कंपनी है इसका मार्केट कैप है। तो चलिए, ये बात रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो ये 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये परसों का दिन है, ये आज का मतलब कि शुक्रवार का दिन। तो परसों अभी देखें तो ये एक मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहकर एक कंसोलिडेशन जोन में बंद रहा, और शुक्रवार को इसके तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था कि 2460 रुपये का जो जोन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एक जो है एक रजिस्टेंट का काम कर सकता है, अभी यहाँ पर है। और दूसरा रजिस्टेंट जो है इसका 2520 रुपये का लेवल है, अगर ये इन दोनों को क्रॉस करेगा तब जो है इसके अंदर बड़ी तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत इसके अंदर या तो कंसोलिडेशन में जोन में रह सकता है या फिर थोड़ी बहुत इसके अंदर गिरावट आ सकती है। फिलहाल ये कंसोलिडेशन जोन में है, और जैसे कि ये ऊपर गया है वहाँ पर टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया, और जिस लेवल के ऊपर था उसी के आसपास एक फ्लैट इसके अंदर बंद हुआ है। आगे अभी देखें तो इसका वीकली चार्ट जब हम देखें तो यहाँ पर एक जो थोड़ी सी एक ये बेरिश हैमर सी कैंडल बनी है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव इशारा देती है आने वाले सप्ताह के अंदर, लेकिन फिर भी अभी ऐसी गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है। अभी भी यहाँ पर कंसोलिडेशन जो जोन है वहीं बना हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज एक तो ये चीज़ है कि इसका 5 वीक और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये काम कर रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो इसके अंदर अभी भी प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मामला अभी यहाँ पर 50-50% है, क्योंकि बेरिश हैमर बनी कैंडल अगर बात करें तो, लेकिन अभी मूविंग एवरेज अगर देखें जो फास्ट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी जब तक ये बरकरार है इसका भाव, तब तक जो है अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही साथ ये इसका डेली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो 2440 रुपये का जो जोन है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, इसको भी ये भी एक जो है काफ़ी बड़ा हर्डल है। इसीलिए मैंने पिछले काफ़ी बार बोला कि एक तो 2440 और 2460 रुपये इंट्राडे में कई बार इसको जो है ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये 2440 का जोन एक तो यहाँ पर अटर्न इसको आ रही है, एक ये रजिस्टर है, उसके बाद देखें तो जैसे कि ये 2520 रुपये का लेवल जो कि यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, और इसके ऊपर एक हफ्ते पहले ही जो है मैंने ये जो है रजिस्टर बता दिया था। और अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं आने वाले सप्ताह में, और सोमवार और मंगलवार को शॉर्ट टर्म की और थोड़े से मीडियम टर्म की। तो यहाँ पर अभी 2416 रुपये का प्राइस है, नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे में एक तो ये 2340 रुपये से लेकर 2300 रुपये का जो जोन है,
सबसे पहला सपोर्ट ये है अगर सोमवार मंगलवार की बात करें, और अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो अभी ये फिलहाल जो है 2250 रुपये के आसपास का यहाँ पर जोन दिख रहा है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऊपर में जैसे कि हमने देखा है एक तो 2440 से 2460 का जोन, और उसके बाद देखें तो 2500 रुपये से लेकर 2520 का जो जोन है, ये दोनों के दोनों जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है सोमवार मंगलवार को और पूरे हफ्ते की अगर बात करें। अगर ये इसको क्रॉस करता है 2500 से 2520 रुपये के लेवल को, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब जो है इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है जो कि इसको 2600 से 2700 रुपये तक ले जा सकता है। बाकी ये जो जोन है इसको जो है पार करना जरूरी है, मतलब कि ये दोनों के दोनों एक रजिस्टर है, तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं और इसी रेंज के अंदर ये जो है घूम सकते हैं जिस भी लेवल के, जब तक ये इसके अंदर ब्रेकआउट जो है नहीं आता तब तक। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही रही। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।